बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अभी तक इमरान खान के लिए कोई आसान रास्ता निकलता नहीं लग रहा। इमरान खान एक मकबूल लीडर थे, बड़ी पार्टी के लीडर थे, लेकिन अचानक हालात बदल गए। क्यों बदल गए, क्या हुआ? अच्छा, सिर्फ इमरान खान नहीं फंस रहे, ऐसा लग रहा है कि अब पूरा टब्बर फंसेगा। पाजी, मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, एक नहीं सारे इकट्ठे ही जान गए को केस से। अच्छा, सोशल मीडिया पे शोर मच रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर ये मामला किया, और फिर साथ ये भी शोर है कि उनको मच्छ जेल पहुंचा दिया जाएगा। तमाम गिरफ्तार जितने भी लीडर थे इस वक्त पटियाला जेल गए, लेकिन उनके बारे में उनके अपने सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं कि नहीं। और एक और उनके बड़े हिमायती जो कामरान खान है, उन्होंने भी जनाब ट्वीट कर दिया कि जनाब इमरान खान अलविदा, अलविदा इमरान खान अलविदा। आप ये सोचें कि इंसान जब मुश्किल में फंसता है तो लोग किस तरह रास्ते बदल लेते हैं। नाज़रीन, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा मामला नहीं, लेकिन बहरहाल इस पर गुफ्तगू करूंगा और बड़ी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार भी करें एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक हालात से गुजर रहा है। जी नाज़रीन, क्या मामला है, क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जी हाँ, हालात बता रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जितनी माफ़ी, जितनी सहूलत, जितना जो कुछ होना था वो हो चुका। जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी पतली गली से निकल गए, क्योंकि जिस तरह मामला सामने गुज़श्ता रोज़ भी आपने देखा कि जो वो एक प्रोसीजर बिल का जो तो मसला था, उसमें भी एक जज बीमार हो गया और उसकी भी डेट आगे पड़ गई। मामला जो है वो आगे से आगे जा रहे हैं। मकसद ये सिर्फ ये है कि चीफ साहब जो है वो अपना वक्त गुजारना चाहते हैं। अब चंद दिन रह गए हैं, उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर चीफ साहब आएंगे सितंबर में, और जब सितंबर में आएंगे तो उनकी अलविदाई तकरीबात शुरू हो जाएंगी। बस यही वो मसला था, ताकि उनकी तमाम राज जो है उनको मिल जाए और वो अपना रास्ता दुनिया को खेल में डाल के, दुनिया को मुश्किल में फंसा के खुद पतली गली से वो भी निकल लिए, उसी तरह जिस तरह इमरान खान के तमाम साथी निकल गए। इमरान खान साहब को उम्मीद थी कि अदलिया से उनको इंसाफ मिलेगा और अदलिया उनको रिलीफ देती रहेगी, लेकिन हम ख्याल जजेस में भी तब्दीली आ गई। और मैंने बहुत पहले, यानी 3-4 दिन पहले कहा था कि देखिए जी, फायज ईसा और मामला थे चीफ साहब के, तो एक दिन वो दोनों इकट्ठे नजर भी आ गए। इसका मतलब ये कि बैकफुट खेल गए, उनको समझा दिया गया और उनको कुछ बात समझ आ गई। उल्टी गिनती शुरू होगी, क्या हुआ? बहुत से मामलात हैं, बहुत से मुकदमात हैं। 190 मिलियन वाला मुकदमा भी है, उसमें भी सब गए। मैंने आपको कल के विलाग में बताया कि काबीना के जो अरकान थे इमरान खान साहब की काबीना के, उनकी तलाशियाँ शुरू हो गई, क्योंकि जो इजलास में बैठे थे और बंद लिफाफे पे हाँ कर दी थी, मंजूरी दे दी थी, उन सबको भी नोटिस जारी हो गए। तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि फैसले अब सामने आने शुरू हो जाने, ऊपर से आर्मी कोर्ट के जो मुकदमात हैं वो भी उसमें जा रहे हैं और फैसले हो रहे हैं, और उनके फैसले भी सामने आएंगे। सजावार जो होंगे उनको सजाएं मिलेंगी, कोई नहीं बच सकेगा। अब टब्बर कैसे फंस गया? टब्बर ऐसे फंस गया कि जो ऑडियो वीडियोस आई हैं उनमें अलीमा खान भी हैं, जो बहन है इमरान खान साहब की, और उनकी बेगम साहिबा की भी हैं, बुशरा बीबी की, और फिर हसन रियाजी साहब हैं उनके भांजे, फिर उनकी दूसरी बहन है उज्मा, उज्मा खान। तो टब्बर का टब्बर जो है सारा, फिर खाली बुशरा बीबी नहीं, उनके साहबजादे भी हैं। फराग गोगी के खिलाफ भी केस है, बुजदार साहब जो उनके वसीम अक्रम प्लस थे उनके खिलाफ भी केसेस हैं। सब में तेजी आ गई है। क्यों? क्या माहौल बन रहा है इलेक्शन का, और इलेक्शन में जाने की तैयारियां हैं। और सिपा सालार ने जो तकरीर की ये कमांडर्स इजलास के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद, उससे हुकूमत को भी बड़ी ढारस हो गई, हुकूमत भी तगड़ी हो गई। भाजी कर दी, ठीक है, जो जो करना कर लो, गाना सुनाओ। लग टका के बोले ने कि जनाब सानू सारे शवाद मिल गए ने और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये वही फिक्र है जो इमरान खान साहब का था कि नहीं छोड़ूंगा, रुलाऊंगा, लेकिन हालात बड़े नाजुक हालात हैं और इमरान खान खुद रोने पर इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। इसलिए मौजूदा हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए
कि इस किस्म का गुरूर जिद हठधर्मी नहीं करनी चाहिए जो गलती से या आदतन इमरान खान साहब कर चुके। अब उनके सारे लोग जो हिमायती थे, जो बहुत ज़्यादा हिमायती थे, वो तो हैं जेलों में या हैं वो ट्रायल में, अंडर ट्रायल हैं। फातिन का भी शिनाख्त हो चुकी है, वो भी अंडर ट्रायल हैं। खतीजा शाह को जुडिशल पे भेज दिया गया लेकिन अभी मुकदमा ख़त्म नहीं हुए। जबकि दूसरी जानब जो है इमरान खान एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। चैरिटी लिट आती पाई उन्होंने कि उनको रास्ता नहीं है, फटे ही जाना है मैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मुकदमा तो होना चाहिए, सियासत में सारे काम होते हैं और सियासत में तो सियासतदान की जो असनाद है ना वो तो गिरफ्तारी है, वो तो जेल है, उससे तो उसका कद बढ़ता है, तो घबराना नहीं चाहिए। ये कहते थे लोगों को घबराओ नहीं, इनको भी घबराना नहीं चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। लेकिन जब अमरीकी सहाफ़ी ने ये पूछा कि मौजूदा हालात में, परेशानी के हालात में, मायूसी के हालात में, ख़तरनाक हालात में, मुश्किल हालात में, क्या आप अपने बच्चों को, बेटों को, सलमान और कासिम को पाकिस्तान बुलाएंगे, तो उन्हें साफ जवाब दे दिया कि नहीं, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़तरनाक है, मुश्किल हालात में मैं अपने बच्चों को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ चेक करें तो शाह महमूद कुरैशी ने भी जब पैगाम दिया उसमें कहा निकलो कप्तान के लिए, घरों से निकलो, बच्चों को लेके, बीवियों को, रिश्तेदारों को, ख़ानदानों को लेके। इसी तरह कप्तान भी कह रहे हैं कि आओ हकीकी आज़ादी के लिए निकल आओ, तमाम बच्चे बेटे लेके बाहर आ जाओ, वरना गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि मौत में चले जाओ, मौत का रास्ता अख्तियार कर लो। दूसरों के लिए तो ये कहते हैं लेकिन अपने लिए ख्वाहिश ये रखते हैं कि नहीं, काश इन दिनों में गर्मी के मामलात में मेरे बच्चे मेरे पास होते और मैं जाता शुमाली इलाका, जात अपने पसंदीदा इलाके में। लेकिन अफसोस कि किस्मत ने वफा नहीं की, क्योंकि आपने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, आपने इंतकामी बनकर वो कुछ कर गुजरे जो के दुश्मन भी नहीं कर सकते लेकिन एजेंडा दुश्मन का था। लिहाजा मामला तो गड़बड़ हो गए, पांव पे कुल्हाड़ी मारी तो जाहिर है पांव जख्मी तो होगा। अब आप मुकम्मल जख्मी हैं और इस जख्मी होने में यकीनी बात है कि उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से आपने अपने आप को जख्मी कर लिया। अब चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, पूरा टब्बर जो है वो भी मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा हुआ है, माफ़ी के चांसेस नहीं हैं, तो हालात तो ख़राब हैं, हालात इसी तरह ख़राब होंगे। अब ये बातें जब आगे बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? फिर तो सीधी सी बात यही है कि यही कहा जाएगा ना कि क्या मामला किसी तरह सुधर भी सकते हैं, तो हाँ एक तरह सुधर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो एक फार्मूला लेके गए थे अपने कप्तान के पास, अपने कायद के पास, साबिक वज़ीर आज़म के पास, लेकिन वहाँ तलख कलामी हो गई, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने उनकी झाड़ झपट की और उनको इतना मतलब बाकायदा स्नब किया कि उनको छठी का दूध याद आ गया और कान लपेट के निकल गए, उन्होंने मीडिया का सामना बिना किया। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ते तो दोस्त ही निकालते हैं, साथी ही निकालते हैं, क्योंकि कप्तान डटा हुआ है अपनी जगह, अपनी बात पर, वो बैकफुट नहीं होना चाहता, जो कुछ भी होगा उसका सामना करेगा, फिर जो होगा किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए अनुमान के साथ, नई आगाही के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, सदा सलामत रहें और INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार भी रवादारी और बर्दाश्त से करें। अल्लाह आपको सलामत रखें, अल्लाह ने के बाद।